बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने एक एग्जांपल को फॉलो करना शुरू किया है, जिसमें हमने देखा कौन कौन से लेजर्स हमें रिक्वायर्ड है और हमें कौन कौन सी एंट्रीज करनी है, और लास्ट सेशन में हमने उन सभी लेजर्स को टैली में क्रिएट भी किया है। इस सेशन में उन सभी लेजर्स के साथ जो अकाउंटिंग एंट्रीज होनी है वो हमको करनी है। तो यदि आपको किसी कारण से एग्जाम्पल समझने में दिक्कत आ रही है तो आप पिछले दोनों सेशन को आपको क्लियर करना पड़ेगा ताकि आप पूरी तरह से इसको फॉलो कर पाए, और यदि आप हमारे पिछले वीडियोस देखते आ रहे हैं रेगुलरली तो फिर आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं इन सभी एंट्रीज को किस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहली एंट्री जो हमारी है वो इन्वेस्टेड कैपिटल है। बैंक में हमने 50,000 रुपये कैपिटल बेस पे जमा किए हैं, और दो एंट्रीज हमें परचेज की करनी है। एक इंटरनेट सर्विसेज को परचेज करना है जो कि क्रिएटिव इंटरनेट हरियाणा से हमने परचेज की है, और एक हमने परचेज की है सर्विस एचआर सर्विसेज चंडीगढ़ से, और यह जो है इंटरस्टेट परचेज है तो यह IGST एप्लीकेबल रहेगा, और ऊपर वाली परचेज पे CGST और SGST एप्लीकेबल रहेगा। ये हम लोग प्रैक्टिकली एंट्री करके देखते हैं, फिर आगे हम बाकी एंट्रीज को भी देखेंगे। मैंने एग्जांपल को फॉलो करने के लिए आपको पिछले सेशन में सभी लेजर्स बनानी बताई हैं, तो यहाँ से एस्केप करते हुए बाहर आता हूँ और अब की बार मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी एंट्रीज इसमें होने वाली हैं। वो सभी एंट्रीज हमने पहले करके रख ली हैं। डिस्प्ले में आप आए, डे बुक में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी दो एंट्रीज दिखा रहा है, मैं यहाँ से पीरियड चेंज कर लेता हूँ। मैं 1/4 से 31/7 का पीरियड ले लेता हूँ क्योंकि मैंने इसमें सभी एंट्रीज को किया है। तो देखिए, 5 एंट्रीज हमने पहले से यहाँ पे कर रखी है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने एंट्रीज कर रखी है, आपको ये एंट्रीज करनी पड़ेंगी। तो मैं आपको शुरू से बताने वाला हूँ एंट्रीज करनी किस तरह से है, लेकिन आपको एग्जाम्पल अगर फॉलो करना है तो इसी तरह से आपको आसानी से समझ आने वाला है, और आप साथ साथ इस एंट्रीज को अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में भी करते चले जाएं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले एंट्री कैपिटल की है, क्योंकि मैंने कैपिटल इन्वेस्ट की है 50,000 रुपये बैंक के साथ, तो यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ। IDBI बैंक में 50,000 रुपये मैंने डाले हैं और कैपिटल अकाउंट बेस पे डाले हैं, तो यहाँ पे रिसीप्ट वाउचर आप प्रयोग करें इसके लिए, और कैपिटल की एंट्री में कैपिटल अकाउंट को आप यहाँ से क्रेडिट कर लें। तो यहाँ पे आप एंटर करते इस प्रकार अपनी कैपिटल वाली एंट्री को कर सकते हैं। एंटर करते हुए नरेशन मैं यहाँ खाली छोड़ देता हूँ, क्योंकि अमाउंट जो है डायरेक्टली बैंक में सबमिट की गई है, तो यहाँ पे बाकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। नरेशन मैं खाली छोड़ देता हूँ, यस कर लेता हूँ। अब क्योंकि कैपिटल की एंट्री नॉर्मल है, हम पहले भी कर चुके हैं काफ़ी सारे पिछले सेशंस में, यहाँ ये दो एंट्रीज बड़ी इंपॉर्टेंट हैं परचेज की। सबसे पहले बात करते हैं क्रिएटिव इंटरनेट, जो हमारे क्रिएटर्स हैं हरियाणा से हैं और हम इनसे सर्विसेज परचेज करते हैं इंटरनेट बेस्ड। एंटर करता हूँ यहाँ पे मैं। सबसे पहले परचेज वाउचर का नंबर डाल देता हूँ CR101। आप ध्यान रखिएगा, डेट आपको 1 जुलाई के बाद का लेना है अगर आप GST से रिलेटेड एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 जुलाई डेट ले लिया है। एंटर करके नीचे आता हूँ। पार्टी का नाम है क्रिएटिव इंटरनेट, वो मैंने सिलेक्ट कर लिया है। डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएंगी। मैंने इनसे सर्विस परचेज की है इंटरनेट सर्विस, यह मैंने लिस्ट ऑफ अकाउंट्स में से सिलेक्ट कर लिया है, और 10,000 रुपये इसकी वैल्यूएशन है, यानी कि 10,000 रुपये की मैंने सर्विसेज इनसे प्रयोग की हैं क्रिएटिव इंटरनेट से। क्योंकि यह राज्य के अंदर की कंपनी है तो दो टैक्सेस पे लगने वाले हैं, CGST और SGST, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली टैली के द्वारा कैलकुलेट कर दिए गए हैं। एंटर करते हुए आप नीचे आ जाएं। 11,800 रुपये टोटल अमाउंट है, और नरेशन आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, और यस कर देता हूँ। इसी तरह से हमने परचेज की है सर्विसेज चंडीगढ़ की कंपनी से, HR रिलेटेड सर्विसेज हमने परचेज किए हैं। 1 जुलाई 2017 को फिर से मैंने परचेज की, कंपनी का नाम मैंने यहाँ दे दिया है चंडीगढ़। देखिए यहाँ पे उसकी जो डिटेल से पॉपुलेट हो गई है टैली के द्वारा। अब HR सर्विसेज जो मेरे पास एक लेजर था वो मैंने प्रयोग किया है, एक तरह से परचेज मानी जाएगी, इंटरस्टेट परचेज है। पूरा मैंने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है अकाउंट लेजर में। इनिशियली ये दे सकते हैं आप, लेकिन बाद में आप चाहे तो हटा सकते हैं, क्योंकि ये एग्जांपल समझाने के लिए है। मैं चाहता हूँ कि आपकी सब चीज़ें क्लियर होती चले, तो इस कारण से मैं हर एक चीज़ के साथ एक रेफरेंस वर्ड जोड़ रहा हूँ। तो हर एक अकाउंट के साथ मैंने एक रेफरेंस वर्ड यहाँ जोड़ा हुआ है। तो HR सर्विसेज जो है यह इंटरस्टेट परचेज एक तरह से मानी जाएंगी 5,000 रुपये की, क्योंकि इंटरस्टेट है तो IGST इस पर एप्लीकेबल होगा 18%, तो 900 रुपये वो एप्लीकेबल होगा। फाइनली इसे यस कर सकते हैं आप। इसके पश्चात दो एंट्रीज और हैं। आप यदि यहाँ देखें तो जो ग्रीन बॉक्स है वो दो एंट्रीज और रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये दो एंट्रीज जो हैं ये हमने सर्विस दी है किसी को, तो हमारी ये सेल्स मानी जाएंगी, और साथ ही यह डायरेक्ट इनकम भी हमारी मानी जाएंगी। तो पहले हमने सर्विसेज दी है रिपेयरिंग सर्विसेज जो है दिव्या सर्विसेज पंजाब को,
यह इंटरस्टेट सर्विसेज हमने दी है किसी को तो इस पे लगेगा IGST। सर्विसेज का अमाउंट 15,000 रुपये है तो 2,700 रुपये उसका IGST टैक्स बैठता है 18% के हिसाब से। फिर हमने रिपेयरिंग सर्विसेज दी हैं ड्रोन सर्विसेज हरियाणा को, और इसमें क्योंकि यह राज्य के अंदर है तो 18% GST में CGST 9% और SGST 9%, 1,080 और 1,080। फाइनली ये दो एंट्रीज करेंगे और फिर हम देखेंगे कि किस प्रकार से गवर्नमेंट को किस प्रकार से पे करना है हमें ये टैक्स, वो भी हम एंट्रीज देखने वाले हैं। 2160 रुपये आप देख सकते हैं कैलकुलेशन, आउटपुट प्राप्त हुआ है 1,080 रुपये आपके पास और आपने परचेज के लिए दिया है 900, डिफरेंस जो है वो 180 रुपये है यहाँ पे। इसी तरह से आउटपुट 1,080 रुपये और इनपुट जो आपने दिया है 900 रुपये, तो 180 रुपये का डिफरेंस यहाँ भी है। यहाँ इनपुट आपके पास 900 रुपये आपने दिया है परचेज पे, लेकिन जो आउटपुट प्राप्त हुआ है 2,700, तो इनका जो टोटल बैठता है डिफरेंसेस जो हैं 2,160 रुपये आपके अब लाइबिलिटी है गवर्नमेंट को जमा करवाना टैक्स, क्योंकि आपके पास सेल्स करते वक्त टैक्स ज़्यादा इकट्ठा हुआ है और आप परचेज का सारा टैक्स एडजस्ट करने के बाद, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा दी है कैलकुलेशन, 180 प्लस 180 और 1800, इन तीनों को मिला के 2,160 रुपये आपको गवर्नमेंट को जमा करवाने हैं। तो आइए देखते हैं इनकी एंट्रीज को भी। तो आइए देखते हैं पहली एंट्री, दिव्य सर्विसेज को हमने अपनी रिपेयरिंग और नेटवर्किंग सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, और यह है क्योंकि राज्य से बाहर पंजाब की पार्टी है तो इंटरस्टेट सर्विसेज एक तरह से हमने प्रोवाइड की हैं। अगर मैं इसको खोल के आपको वाउचर दिखा दूं तो आप वाउचर की एंट्री कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। मैंने डेट सेट किया हुआ है 2 यहाँ पे, और एक मैंने नंबर डाल दिया है अपने बिल का जो है। दिव्या सर्विसेज डेटर्स है तो पंजाब इंटर स्टेट, मैंने रेफरेंस के लिए कुछ कीवर्ड साथ में लिख दिए हैं। बेसिक डिटेल पहले से ही मैंने फीड कर दी थी। जो हमने सर्विसेज दी है वो है रिपेयरिंग और नेटवर्किंग सर्विसेज। इंटरस्टेट सेल्स का हमने सेगमेंट लिया है यहाँ पे 15,000 रुपये की सर्विसेज हैं। 15,000 की सर्विसेज से इस कारण से इस पे IGST एप्लीकेबल होगा क्योंकि यह इंटरस्टेट सर्विसेज हैं। 15,000 के कारण 2,700 रुपये इस पे 18% जो सर्विस टैक्स है वो लग जाएगा, तो 17,700 का ये आपके पास बिल जनरेट हो जाएगा। मैं यस कर देता हूँ इसे। इसी तरह से ड्रोन सर्विसेज को हमने अपनी रिपेयरिंग और नेटवर्किंग सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, इसके लिए फिर से एक बिल नंबर लिया है मैंने, और यहाँ पे बेसिक डिटेल हरियाणा की कंपनी है तो लोकल रहेगा ये, और इंट्रा सेल्स मैंने इसलिए साथ में लिखा है ताकि क्लियर हो जाए। 12,000 रुपये की सर्विसेज हमने इनको दी हैं, तो इसमें CGST और SGST जो है 1,080 दोनों हैं। 1,080 जो है CGST है और 1,080 ही SGST है। तो हमारे पास यहाँ टोटल अमाउंट 14,160 रुपये जो है इसका आया है। तो इस प्रकार से हमने सर्विसेज इनको दी हैं और ये हमारे पास जो एंट्रीज है वो कंप्लीट हो गई है। एक पेमेंट की एंट्री मैं अभी करने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ हमारे अकाउंट्स का प्रोसेस क्या है, स्टेटूटरी रिपोर्ट्स क्या दिखाती है हमें। GST में GST 1 में अगर आप चले जाएं तो यहाँ पे अगर आप इनवॉइसेस पे चले जाएं तो आप देख सकते हैं कि इंटीग्रेटेड टैक्स 2,700 रुपये है, सेंट्रल टैक्स अमाउंट 1,080 और यहाँ पे स्टेट टैक्स अमाउंट 1,080 है। तो टोटल जो टैक्स कलेक्ट हुआ है 4,860 रुपये आपके पास कलेक्ट हुआ है, क्योंकि आपने 4,860 रुपये की सर्विसेज सेल की है और उस सर्विसेज को सेल करने से 4,860 रुपये आपके पास GST इकट्ठा हुआ है। अब यदि हम GSTR2 को देखें तो यहाँ पे परचेज की पूरी डिटेल आपके पास है, मैं एंटर करके इसे खोल लेता हूँ। यहाँ पे यदि आप देखें तो 900 रुपये IGST, सेंट्रल टैक्स अमाउंट 900 रुपये है और स्टेट टैक्स अमाउंट भी 900 रुपये है। 2,700 रुपये जो टैक्स है हमने एक तरह से परचेज में पहले से ही पे कर दिया है, तो इस 2,700 रुपये को हम इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करेंगे। अब यदि आपको याद हो तो 4,860 रुपये हमें टैक्स मिला है सेल्स करते हुए सर्विसेज को और 2,700 रुपये हमने पे किया है, तो कुल मिला के 2,160 रुपये हमारे पास बैलेंस ड्यू रहता है जो हमें गवर्नमेंट को पे करना है। ये सारी जानकारी हम अपनी बैलेंस शीट से भी चेक कर सकते हैं। बैलेंस शीट पर आप आ जाएँ और करंट लाइबिलिटीज़ पर यदि आप आ जाएँ तो देखिए ड्यूटीज़ एंड टैक्सेज में 2,160 रुपये हमारे ड्यू हैं, और यदि आप ध्यान दें तो CGST 180 रुपये, IGST 1,800 रुपये और SGST 180 रुपये। यह बिल्कुल वही फिगर है जो मैंने यहाँ दिखा रखी थी, 180 और 1,800 रुपये और टोटल 2,160 रुपये। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपके पास जो टोटल टैक्स ड्यू है वो 2,160 रुपये है। आइए इसकी एंट्री करके देखते हैं किस प्रकार से इसको एंटर कर सकते हैं। इसके लिए हमने अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाना है, पेमेंट पे जाना है, क्योंकि अब की बार मुझे पे करना है गवर्नमेंट को टैक्स, और स्टैचूटरी पेमेंट है यह है। इसके लिए मैं स्टैचूटरी पेमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, और GST की पेमेंट है 1 जुलाई से मुझे यह पेमेंट करनी है 31 जुलाई तक की, जो भी टैक्सेस मेरे पास कलेक्शन में आया है।
टाइप ऑफ पेमेंट रेगुलर रहेगी क्योंकि आप एक रेगुलर पेमेंट को पे करने जा रहे हैं जो ड्यू टैक्स आपके ऊपर है। तो आप देखें यहाँ हेड जो है स्टैट्यूटरी पेमेंट फॉर जीएसटी आ गया है। अकाउंट कौन सा है, मैं आईडीबीआई से पे करना चाहता हूँ तो आईडीबीआई सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आप उन तीनों टैक्सेस को बारी बारी से सिलेक्ट करते हुए चले जाएँ। तो सीजीएसटी 180 रुपये से डेबिट कर देता हूँ तो आप देखेंगे अमाउंट जो है ज़ीरो हो गया है यहाँ पे। इसी तरह से एसजीएसटी जो है वो ऑलरेडी 180 रुपये से क्रेडिट है अर्थात हमारी लाइबिलिटी है तो इसको भी 180 से मैं डेबिट कर देता हूँ। और इसी तरह से आईजीएसटी जो है वो अकाउंट भी सिलेक्ट करके 1800 रुपये से मैं इसको भी डेबिट कर देता हूँ। आप देखेंगे तीनों अकाउंट ज़ीरो हो गए हैं। अब मैं इसे एंटर कर देता हूँ। आप चाहे तो यहाँ फर्दर डिटेल दे सकते हैं, यस करते हुए यहाँ पे आप बता सकते हैं किस प्रकार आपने पे किया है, डेबिट कार्ड है तो कौन कौन से ऑप्शन आपने सेलेक्ट किए हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ सेव कर सकते हैं। फाइनली 2160 रुपये हम पे करने जा रहे हैं और यहाँ पे फर्दर डिटेल आप दे सकते हैं नरेशन और फाइनली इसे एक्सेप्ट कर लीजिए एंट्री को। यस करती है आपके पास एंट्री हो जाएगी। अब अगर मैं आपको फिर से बैलेंस शीट में लेके चलूँ और करंट लाइबिलिटीज में लेके जाऊँ तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो है वो यहाँ पे नहीं है अभी कोई अमाउंट ड्यू क्योंकि हम पे कर चुके हैं। तो इस तरह से हमने इस पूरे सेशन में देखा कि सर्विस सेक्टर के अंतर्गत किस प्रकार से सर्विसेज परचेज की जाती हैं, किस प्रकार से सेल्स की जाती हैं, कौन कौन से लेजर्स और कौन कौन से हेड प्रयोग किए जाते हैं और उनकी पेमेंट्स किस प्रकार की जाती है, ये सारी जानकारी हमने इस सेशन में ली हैं।